खाली मैदा कभी भी इन तीन चीजों का इस्तेमाल ना करें, यह आपकी ठीक ठाक सेहत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले नंबर पर दोस्तों, अपने खाली मैदा कभी भी चाय कॉफी इस्तेमाल नहीं करें, यह आपके मैदे में एसिडिटी को बढ़ाती है, आपकी भूख को ख़त्म करती है। अब चाय कॉफ़ी के बजाय अगर सुबह नेचुरल फ्रेश जूस इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है, अब इसको इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपने सुबह खाली मैदा प्रोसेस्ड फूड बेकरी की मसनूआत आपने इस्तेमाल नहीं करनी, यानी कि केक हो गया, रस हो गया, जितनी भी बेकरी की मसनूआत हैं, इससे आपने बचना है। इसकी जगह अगर आप ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसमें। तीसरे नंबर पर जो बताने लगूँ मैं आपको, वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, अपने खाली मैदा कभी भी मसाले वाली चीज़ों का, यानी कि तेज़ मिर्च वाला सालन का आपने इस्तेमाल नहीं करना, परहेज़ करना है आपने बचना है इसे। इसके बजाय अगर सुबह दही, अंडे, काली मिर्च वाला जो होता है ना सालन, काली मिर्च वाला सालन आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करके आप फिट रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपनी मोहब्बतों में आप इजाफा कर सकते हैं। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।